नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मैं अपने ट्रिप के बारे में बताऊंगा। 2014 में मैंने ये ट्रिप किया था, एक छोटा सा ट्रिप था। और इसमें आप देख सकते हैं कि मैं भी हूँ और मेरे साले साहब हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मौसी जी हैं, मेरे फादर इन लॉ हैं। और ये जो फ़ोटो है ये अमरकंटक की है, जहाँ से नर्मदा जी का उद्गम होता है। और ये रीवा से करीब 300 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग सभी लोग ये मंदिर देखने गए थे और बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव हुआ नर्मदा जी के दर्शन करके, उनका उद्गम स्थल जो है उनका, उसके दर्शन करने के बाद। और इसके बाद हम लोग बांधवगढ़ गए, तो बांधवगढ़ की भी पिक्चर हम लोग देखेंगे। ये वो बांधवगढ़ की पिक्चर हैं टाइगर सफारी की। वहाँ पे हम लोगों ने सफारी की और सौभाग्य से हम लोगों को टाइगर भी उस दिन देखने को मिला। तो ये वो टाइगर है जो उस दिन हम लोगों ने देखा था और बहुत ही अच्छा लगा उस दिन। और बहुत ही कम लोगों को ये चांस मिलता है, कई लोगों को तो बार बार सफारी करनी पड़ती है तब जाके उन लोगों को टाइगर देखने को मिलता है। लेकिन मुझे पहले ही प्रयास में ये देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये उस दिन की 2014 की तस्वीरें हैं सारी। उसके बाद हम लोग वहाँ से बांधवगढ़ से मैयर जो शारदा देवी का मंदिर है, तो उसके दर्शन करने के लिए गए। और आप लोग देख सकते हैं ये दर्शन करने के उपरांत या उसके बाद की जो फोटो है वो है। और सभी लोग इसमें परिवार के जो मेंबर्स हैं वो हैं, मेरी दोनों बेटियाँ भी हैं चिंकी और स्वीटी, और मेरे साले साहब, वो मेरे ससुर साहब, वो मौसी जी और मेरी वाइफ, ये सभी लोग गए थे हम लोग। ये भी एक बांधवगढ़ की तस्वीर है जो एक रेस्टिंग एरिया वहाँ पे जंगल के बीच में बनाया हुआ है, जहाँ पे आपको एक रेस्टोरेंट टाइप का है छोटा सा, जहाँ आपको पानी, चाय और वॉशरूम वगैरह की पूरी व्यवस्था है। ये जंगल के बीचों बीच में है। और ये जब टाइगर सफारी आप कर रहे होते हैं तो उस समय में ये 10 मिनट का आपको ब्रेक यहाँ लेना होता है। और यहाँ सारी खाने पीने की चीज़ें यूजली अधिकतर मिल जाती हैं। तो ये अमरकंटक, बांधवगढ़ और मैहर के बारे में एक छोटा सा टूर था। धन्यवाद।